बाजार स्थित टैली एकेडमी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत दीपावली के उपलक्ष्य में चीन द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने पर परिचर्चा की गई। चर्चा के दौरान सीए अभिनव अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2015-16 में भारत से मात्र 9 अरब का निर्यात चीन को किया गया, जबकि चीन से 61.8 अरब डॉलर का आयात हुआ। इसके कारण हमें चीन से 52.8 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। लगातार बढ़ते चीन के साथ व्यापार घाटे के कारण देश पर विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह उठने के लिए अलार्म क्लॉक से लेकर रात में सोते समय कॉफी मग तक ज्यादातर सभी चीजें हम चीन द्वारा निर्मित उपयोग करते हैं। परिचर्चा का विषय यहाँ पे रखा गया, उसका जो विषय है वो है चीन एक चुनौती। चीन भारत के लिए एक चुनौती बना हुआ। अब वो कैसे चुनौती बना है, किन किन क्षेत्रों में वो भारत को चुनौती दे रहा है, बस थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। एंड आफ्टर देन एक संकल्प हमको यहाँ पे करना है। मुझे कुछ चेहरे शायद पुराने भी नजर आ रहे हैं, जो पहले भी परिचर्चा हुई थी उसमें थे, शायद आप थे ना? नहीं, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पहले भी एक बार अभी 2 साल पहले हम लोग यहाँ बैठे थे। साथ ही बताया कि विदेशी उत्पादों के भारी आयात से हमारे लघु एवं मध्य वर्गीय उद्योग जल्दी बंद होने की कगार पर है। इससे लाखों लोगों के बेरोजगार होने का खतरा भी मंडरा रहा है। इसीलिए धीरे धीरे मेक इन इंडिया मुहिम को बढ़ाना चाहिए, जिससे हम चीन और विदेशी कंपनियों के सामान का धीरे धीरे से बहिष्कार कर सके। वार्ता के अंतर्गत स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक राजीव कुमार ने बताया कि चीन 1962 से भारत की 37,500 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अंत में सीए और सीएस के सभी छात्र छात्राओं ने चीन की वस्तुओं को उपयोग न करने का संकल्प लिया। साथ ही सभी देशभक्त नागरिकों से ये भी अपील की गई कि देश की सुरक्षा अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इन सभी सामानों का उपयोग न करें। देखिए, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि त्योहारों पे चाइना के गुड्स का चलन ज़्यादा हो जाता है, और जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को, इकनॉमी को थोड़ी सी पीछे होती है। तो इस विषय पे आज स्टूडेंट्स को अवगत कराने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें चाइना एक चैलेंज के रूप में हमने इस परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे ब्रांडेड स्पीकर्स इस चर्चा में आ रखे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो सुबह की शुरुआत होती है, सुबह के ब्रश से लेके रात के कॉफ़ी मग तक हम लोग ज़्यादातर चाइनीज का ही गुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइना के गुड्स हमारी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन चुके हैं। ये आदत बहुत जल्दी से तो नहीं छूट सकती, लेकिन हम चाहते हैं कि ये यंगस्टर्स में, यूथ में एक मैसेज जाए कि हम लोग एक इनिशिएटिव लें कि ज़्यादातर गुड्स जो इस्तेमाल करें वो या तो मेड इन इंडिया करें, और या एक यंग एंटरप्रेन्योर डेवलप करें जो गुड्स को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करें। थोड़ा मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूँ तो अगर हम इंडिया का फॉरेन ट्रेड देखें तो 2005 में इंडिया चाइना से जो इम्पोर्ट करता था वो लगभग $5 बिलियन का इम्पोर्ट होता था, जो 2015 में बढ़ के लगभग $60 बिलियन का हो गया। जबकि एक्सपोर्ट की अगर बात करें इसके विपरीत, तो एक्सपोर्ट सिर्फ